चिरकुंडा में मार्क्सवादी युवा मोर्चा मार्क्सवादी समन्वय समिति का सम्मेलन हुआ, जिसमें एडब कमेटी का गठन किया गया, जिसमें 21 नौजवान शामिल हुए। इसके मुख्य अतिथि के रूप में निरसापुर विधायक अरूप चटर्जी थे। इनके साथ बादल बावरी, संतोष चटर्जी, अमरेश दास, सुबीर चटर्जी, नंटू कांजीलाल, कल्याण राय, राजू अंसारी, वरुण दे, दीनदयाल रविदास, जयाउद्दीन शाह और अजय बावरी, रामजी शर्मा, सोनू मिश्रा के साथ साथ मार्क्सवादी कार्यकर्ता और भी मौजूद थे। श्री चटर्जी ने कहा, कोरोना काल के बाद यह हमारा छोटा सा सम्मेलन है, इसके बाद हम लोग बड़ा सम्मेलन करेंगे। एडहॉक कमेटी के 21 सदस्य हैं, जिनका क्षेत्र पदभार कार्य बहुत जल्द निर्धारित किया जाएगा। श्री चटर्जी ने यह भी कहा कि हमारा संगठन किसी भी संगठन से पीछे नहीं है, आवश्यकता पड़ी तो एक बड़ा आंदोलन हम लोग चिरकुंडा निरसा में कहीं भी किसी भी जगह खड़ा कर सकते हैं। आइए आगे का प्रोग्राम देखते हैं। निरसा के युवा कांग्रेस किसान नेता, मजदूर नेता और गरीबों को मैं यहाँ कॉमरेड अरुण चले जाएंगे और अपना विचार को रखेंगे। आशा करते हैं ये मीटिंग एक इनिशियल मीटिंग है जो मार्क्सवादी युवा मोर्चा के बैनर तले एक कमेटी, एडहॉक कमेटी जो कॉमरेड संतु चटर्जी या कॉमरेड बादल बावरी हम लोगों को आज यहाँ पर अनाउंस करेंगे। हम लोग आशा करते हैं जो जल्द ही मार्क्सवादी युवा मोर्चा का एवं मार्क्सवादी समन्वय समिति, ठीक है, आज भी हम समझते हैं जो चिरकुंडा नगर पालिका क्षेत्र है, हम लोग किसी से भी पीछे नहीं, हम लोगों के साथ जनता है, हमारे साथ संगठन है, हमारी संगठन आज भी मजबूत है और हम लोग आज भी चिरकुंडा में चाहें तो हम लोग किसी भी आंदोलन को खड़ा कर सकते हैं। तो लोग हमारे साथ हैं, संगठन के साथ जोड़ना हम समझते हैं जो जोड़ने की ज़रूरत है। हम लोग चिरकुंडा नगर पालिका के चुनाव पर भी बहुत दूर है, केंद्र सरकार के खिलाफ हो, अगर राज्य सरकार की ऐसी कोई नीतियाँ आती है तो इनके खिलाफ भी, या नगर पालिका का, नगर परिषद का ऐसा कोई घटनाक्रम होती है जिसके विरोध में भी हम लोग आंदोलन का रूपरेखा तैयार करके अपने बैनर तले लड़ाई कर सकते हैं। अगर सांगठनिक ढांचा बने रहे तो हम लोग संगठन के बैनर तले हम लोग इमीडिएटली आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर हम लोग लड़ाई लड़ सकते हैं। समझते हैं जो वार्ड से लेकर हम लोगों का के सेंट्रल कमेटी तक या चिरकुंडा नगर पालिका कमेटी तक हम लोगों को संगठन मजबूत कर दिया। तो जो भी साथी हैं हम तमाम लोगों को हम लोग धन्यवाद देंगे। हम लोग आशा करते हैं जो जल्दी हम लोग इस संगठन को, तमाम जितने भी NCC के हम लोगों का ब्रांचेस है, तमाम संगठन को हम लोग एक रूपरेखा तैयार कर सकेंगे। ये एक छोटी सी मीटिंग है क्योंकि महामारी चल रही है, भविष्य हम लोग और बड़े तरीके से बड़े रूप में मीटिंग करके इसको आगे। 20 लोगों की सूची बनी है, मेरे कुंडा प्रशांत लायक, युवाए था अजय गौरी, जगदीश गुराई, चिरंजीत चटर्जी, कामाख्या। महामारी के बाद पहली बार यहाँ पर मार्क्सवादी युवा मोर्चा की एक छोटी सी बैठक रखी गई जिससे एक एडहॉक कमेटी बनाई गई और तमाम लोगों को जिम्मेवारी दी गई जो वार्ड से लेकर यहाँ तक इस कमेटी की फॉर्मेशन करें। और तो इसलिए मार्क्सवादी समन्वय समिति, मार्क्सवादी नारी मोर्चा, युवा मोर्चा, ये तमाम संगठनों को हम लोग फिर से हम लोगों को खड़ा करके सांगठनिक ढांचा के रूप में फिर आंदोलन हम लोग चिरकुंडा तमाम चीज़ों को लेकर, तमाम समारोह को लेकर हम लोग कर सकते। आगे का न्यूज देखने के लिए चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें।